दोस्तों, अगर आप कभी शादी या किसी पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट के साथ साथ शगुन का लिफाफा भी देते ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का ही क्यों दिया जाता है। दोस्तों, अब तक आप कई मुंडन शादी या किसी पार्टी या अन्य तीज त्योहारों में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर तो गए ही होंगे। इन अवसरों पर आपने उन्हें कोई ना कोई उपहार या नेक भी जरूर दिया होगा। अक्सर देखा गया है कि लोग नेक या शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का जरूर देते हैं। शगुन का लिफाफा हम जब भी खरीदते हैं उस पर पहले से ही 1 रुपए का सिक्का लगा होता है। लिफाफे पर 1 रुपए का सिक्का लगे होने के पीछे का कुछ कारण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शगुन के तौर पर 1 रुपए का सिक्का ही क्यों दिया जाता है? दोस्तों, शादी में शगुन के तौर पर 1 रुपए का सिक्का इसलिए दिया जाता है कि किसी भी जोड़े को दी जाने वाली राशि की संख्या अविभाज्य यानी विभाजित ना होने वाली संख्या बन जाती है। ऐसे में सभी लोग यही दुआ करते हैं कि नया जोड़ा हमेशा एक साथ रहे, मतलब शगुन में 1 रुपए जोड़ देने से संख्या अविभाज्य हो जाती है, यानी कोई भी उस संख्या को विभाजित नहीं कर पाता है। ऐसे में रिश्तों के लिए 101 रुपए, 251 रुपए या 501 रुपए जैसी संख्या काफी अच्छी मानी जाती है, और 1 रुपए के सिक्के को निवेश के चिन्ह के रूप में भी देखा जाता है, इसलिए नेक में 1 रुपए का सिक्का दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी नए रिश्ते के लिए यह संख्या बेहद ही शुभ और अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप भी किसी शादी या पार्टी में जाएं तो अलग से लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं दोस्तों कि आपके यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का शगुन के तौर पर लिफाफे में रखा जाता है या नहीं।